नमस्कार, मैं आचार्य सुमन कोहली आपका YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी सूर्यदेव पर। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, जिसे हम संक्रांति भी कहते हैं, इस बार सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, वो 14 अप्रैल 2022 को अपनी उच्च राशि मेष राशि में, जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, उसमें जा रहे हैं। साल में सूर्य एक बार अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर 10 डिग्री तक वो परम उच्च के माने जाते हैं। देखिए, अगर कुंडली में राजा बलि है, उसके बाद अगर सभी ग्रह कुछ कम ज़्यादा भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर एक सूर्य देव ही किसी की कुंडली में बलि है तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस समय जो बच्चे 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में जन्म लेंगे, तो उनका सूर्य उच्च का होगा। सूर्य उच्च का होगा तो अपने आप ही उनके जो है बाकी के प्लैनेट्स भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि राजा बलि हो गए। और अगर इसके बाद दोपहर का जन्म होगा तो राजा परम बलि हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके ऊपर क्या इफेक्ट लाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। मेष राशि जैसे कि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व राशि है। अब सूर्य का वहाँ पर गोचर होना, सूर्य भी जहाँ पर होते हैं वो वहाँ का ताप बढ़ा देते हैं। तो यानी कि मेष राशि वालों के लिए राहु पहले से ही वहाँ पर विराजमान है, तो सूर्य की युति किससे होगी? राहु से होगी। तो सूर्य और राहु वहाँ पर मिलेंगे मेष राशि में। यहाँ पर क्या होगा, मेष राशि वाले जातकों को बहुत ही जल्दी क्रोध आएगा, गुस्सा आना, एग्रेशन होना, पेशेंस को लूज करना, कि वो कोई भी काम जो है आराम से सोच समझ कर नहीं करेंगे, हर काम में हड़बड़ी, बहुत जल्दी से काम करना। तो इसके लिए मेष राशि वालों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनकी राशि में राहु भी है इस समय, और जैसे अभी ये वाले एक मंथ में जो सूर्य भी साथ में होंगे, तो कोई भी काम करें बहुत ध्यान से करें, सोच समझ कर करें, किसी भी काम में जल्दी ना करें, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए जैसे मैंने कहा एग्रेशन ज़्यादा होगा। और कोई भी काम करना है तो सबसे पहले पानी पिए, ठंडा पानी पिए, ताकि थोड़ा सा अपने आप को कूल करें। मेष राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ में भी परेशानी हो सकती है, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, और हेल्थ को लेकर भी, हेल्थ में स्पेशली जैसे हेडेक होना, माइग्रेन होना, या फिर फीवर होना, ऐसे वाला कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपना थोड़ा सा ध्यान दें और मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए मेष राशि वाले अपना इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो सूर्य को जल दें। अगर वो सुबह सूर्य उदय के समय उठकर सूर्य को जल देंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि के लिए सूर्य जो है वो बारहवें भाव में गोचर करेंगे, थोड़ा हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है, खर्चे बढ़ेंगे, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, मदर की हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जॉब के लिए भी यह ठीक रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए सूर्य जो है वो एकादश भाव में गोचर करेंगे, वो राहु भी उनके साथ होंगे, तो यह सूर्य का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही फलदायी होगा। एकादश भाव में होने से अचानक से धन लाभ होना, नेम फेम बढ़ना, सोशल स्टेटस बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें उन्हें मिलेंगी। अगर वो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो वहाँ इनके लिए भी उनको अच्छा ही फल मिलेगा। और संतान को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, लव रिलेशंस अगर उनका कुछ ऐसा है तो वहाँ पर उतना अच्छा इफेक्ट नहीं रहेगा, ये हो सकता है कि वो ब्रेक हो या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो वो थोड़ा सोच समझ कर रहें। इनके लिए भी ये है, मिथुन राशि वालों को भी सूर्य को जल दें और अपने पिता का, अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, उनका मान करें।
अब बात करते हैं हम कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के लिए सूर्य जो है 10th हाउस में दसम भाव में होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। दसम भाव में सूर्य बलि हो जाते हैं और यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा उनका जो है अच्छा करेंगे। अगर वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो काम में प्रमोशन, जॉब में अगर होगा तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं, बिजनेस करते हैं तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मदर और फादर दोनों की हेल्थ का ख्याल रखें। और कर्क राशि वाले इस समय कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे भी निवेश कर सकते हैं, पर निवेश करने से पहले वो थोड़ा सा उसमें ध्यान से सोचें, कोई कहीं कोई वाद विवाद ना हो जाए। तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का दसम भाव में गोचर जो है बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी होगा। अब बात करेंगे हम सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर जो है नवम भाव में होगा, जो कि उनके भाग्य भाव में, मीन्स यहाँ पर भाग्य साथ देगा। पर यहाँ पर जो भी वो चाहेंगे उन्हें भाग्य की प्राप्ति होगी, उनको सभी जो भौतिक सुख है वहां पर मिलेंगे। पर फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि फादर की हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। ये धार्मिक यात्राएं भी इस समय कर सकते हैं, पर सिंह राशि वालों को ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि ये गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपना गुस्सा थोड़ा कम करें, बात करने से पहले सोचें। छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर अष्टम भाव में होगा, तो अष्टम भाव में होने से ज़्यादा फलदायी नहीं होगा, ज़्यादा लाभप्रद नहीं होगा, और इसके साथ राहु भी है। तो इसलिए कन्या लगन वालों के लिए ये बहुत ध्यान से सुने कि कन्या लगन वाले इस मंथ में कोई भी नया काम शुरू ना करें, क्योंकि उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अचानक से कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसके होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी ध्यान से चलाएं। तो कन्या राशि वालों को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, उनके लिए ये गोचर उतना फलदायी नहीं होगा। इसके लिए उन्हें चाहिए वो सूर्य को जल चढ़ाएं, हो सके तो कॉपर के, तांबे के बर्तन में पानी पिए। इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके सप्तम भाव में होगा, सप्तम भाव से वो लगन को देखेगा, उनका नेम फेम बढ़ेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, पर मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनका कोई पार्टनर है या बिजनेस में है तो उसके साथ भी कोई अनबन हो सकती है। तो ये समय थोड़ा सा ध्यान से रखें, इस मंथ में कोई भी नई पार्टनरशिप ना शुरू करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का ये गोचर जो है छठे भाव में होगा, छठे भाव में होने से यहाँ पर शत्रु पराजित होंगे, मीन्स शत्रु उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। उनके लिए ओवरऑल अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। अगर उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है तो ये हो सकता है कि उसको वह जल्दी से रीपे कर दें, या अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए ठीक है, उनको आराम से लोन मिल सकता है, विदेश जाने के योग बन सकते हैं। वृश्चिक लगन वालों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उन्हें कुछ मिलेगा तो सही सब कुछ, पर मेहनत से मिलेगा। कोर्ट केस, इन सब चीज़ों से, कोर्ट कचहरी से बचें, और हो सके तो आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं हम धनु राशि के लिए। धनु राशि में सूर्य का ये गोचर पंचम भाव में होगा, जिससे कि उन्हें थोड़ा गुस्सा आएगा, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। संतान पक्ष से भी थोड़ी चिंता बन सकती है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो थोड़ा ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, क्योंकि इस समय थोड़ा सा उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सोशल स्टेटस अच्छा होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, फाइनेंशियली अच्छा होगा। तो ओवरऑल जो है धनु लगन वालों के लिए भी सूर्य का गोचर अच्छा होगा, पर थोड़ा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। अब बात करेंगे हम मकर राशि पर। मकर राशि वालों के लिए सूर्य जो है ये चतुर्थ भाव में होगा, चतुर्थ भाव में होने से थोड़ा उनके पारिवारिक सुख में कमी होगी, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ना कोई निवेश कर सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सोच समझ कर करें। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके तीसरे भाव में होगा, जो कि उनके साहस को, कॉन्फिडेंस को, ये सब चीज़ों को बढ़ाएगा।
भाई बहन के साथ रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, जो छोटे भाई बहन हैं उनके थोड़े से काम में परेशानी हो सकती है। पर कुंभ राशि वाले अगर इस समय कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा समय है। फाइनेंशियली और रूप से उनके लिए अच्छा होगा, और अगर उनके काम में, बिजनेस में, इन सब चीज़ों के लिए भी उनके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए सूर्य जो है दूसरे भाव में गोचर करेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी को हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, तो मीन राशि वालों की परिवार से दूरी बन सकती है। तो मीन राशि वालों को भी चाहिए कि इस समय सूर्य को जल दें और हो सकता है तो तांबे के बर्तन में पानी पिए। इस तरह अभी मैंने 12 राशियों के बारे में बात की। अब इसके लिए सूर्य भगवान के लिए एक ही रेमेडी है। जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा दो ही ऐसे साक्षात ग्रह हैं जिन्हें हम ब्रह्मांड में देख सकते हैं, जिन्हें हम सौर मंडल में देख सकते हैं। तो सबसे इजी है कि आप सूर्य को सुबह सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय के समय उठकर अगर आप डेली सूर्य को तांबे के बर्तन में जल देते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें और थोड़ा सा रोली डालें और उससे सूर्य भगवान को जल दें, तो इससे सूर्य भगवान आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिसका आपने सोचा नहीं होगा, और आपको निरोगता देंगे। जो सूर्य को डेली जल देता है, ये यकीन मानिए वो बंदा कभी भी बीमार नहीं पड़ता। वो भी सुबह ऐसे ही उठता है और रात को ऐसे ही आराम से टाइम पर सारे काम करके अपने सोता है। तो मीन सूर्य को जल देने से हमारी डेली रूटीन, हमारा डिसिप्लिन, हमारे जो है बीमारी दूर भागती, ये सब चीज़ें रहती हैं। और अगर हो सके तो आदित्य हृदय सूत्र का पाठ भी करें। धन्यवाद।